सो गुड मॉर्निंग टू ऑल व्हेन आर प्रेजेंट एक्सक्यूज मी यस सी आप कौन मैं यहां का होस्ट हूं कुछ भी ओ हेलो होस्ट मैन कुछ भी मतलब कोई मतलब मुझे ही कोई भेजेगा होस्ट बन जाएगा क्या मतलब है ये होस्ट मैं हूं सबको पता है ये बात नाम क्या है किसका आपका और किसका तो वही तो बोल रहा किसका तुम्हारा और किसका देख मेरा नाम किसका है घर पे क्या बुलाते किसको अरे तुझको घर पे क्या बुलाते किसको ये क्या लगा रखा है किसका किसकी ओ हेलो मम्मी पापा में मत जाना देखो अब क्लियर करता हूँ मेरे पापा उसके मम्मी उसका मैं किसका आप समझे किसको ये क्या था चलो ठीक है फ्रेंड्स लोग तो कुछ बुलाते होंगे ना उसका ऐसा ना दोस्त लोग बुलाते हैं धीरज अब भी से नहीं बता सकते थे पूछ नहीं सकते थे हाँ यार करती तो मतलब खुद से ही बता देंगे हम ना हाँ तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ बस एक बात सुनो जो हंसे उसका घर बसे हाँ जो हंसे उसका घर बसे और उससे पूछो जिसका घर बसे क्या वो कभी हंसे नहीं हंसे ना सब अच्छे से खुल के मन से हंसे बट एक जन नहीं हंसा रीजन मैडम जी सीधा ब्यूटी पार्लर से आई है मैडम जी सीधा ब्यूटी पार्लर से आई है ब्यूटी पार्लर ने साफ बोला है क्लियर कट लिख के दिया है स्टैम्प पेपर में लिख के दिया है हमने तो सजा दिया बट ज्यादा हंसे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं सो फर्स्ट थिंग तो ये मैडम जी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ मैं अपने लक्ष्य एम्बिशन गोल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ तो फर्स्ट स्टार्ट ऐसे वर्ड मत बोला करो सूट नहीं करता है एम्बिशन गोल मतलब पता है गोल एम्बिशन गोल मतलब वो देखा बास्केटबॉल मेरा फर्ज है डिस्टर्ब करना क्यों एक तो देखो कोई भी आगे उठा के आ जाता है उस दिन करने ये क्या मतलब नहीं ये क्या मतलब है इसका बारो बोल रहे बताओ बार कई बार ना कोई चीजें जो गलतियां होती हैं उनको फील कराना पड़ता है जीवन नेक्स्ट टाइम ना हो गलती खुद खुद करो मेरे को बुलाओ आगे एक तो मैंने होस्टिंग करने दे रही हूँ ना बहुत बड़ी बात है अब बीच में ही बोलना मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने दो नहीं बोलूंगा वेरी गुड शांत रहो भूख करता नहीं करो तो हो गया ना मेरा वो तो सुन लो इंट्रोडक्शन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर एंड आप सभी का इस ग्रेट एंड ग्रेट ओकेजन पर बहुत बहुत स्वागत है सो नाउ वी कैन स्टार्ट यस स्टार्ट बट वेट आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये किसके सामने कुछ बोल रहा है हाँ तो नोटबंदी हुई थी ना हुई थी उसे पता है कुछ हमारी कोचिंग के भैया लोग हैं कुछ दीदी लोग हैं जिनका बहुत बुरा हाल हुआ था जिनका भैया के पास पूरे घर बैठ मिलने पर एक 500 नोट मिला उनका खुद का एक 500 का नोट था हाँ 500 का 500 समझते ना हाँ तो भैया बैंक गए हाँ बैंक में था नहीं एटीएम कार्ड लेके गए एटीएम में तो पता क्या हुआ भैया के साथ भैया ने अच्छे से गाना गा के सुनाया सुनोगे पंगन सुना जाते हैं सब जाते हैं ना तो सुनाते हो हाँ कानून कर दो नहीं मैं तो सुनाऊंगा कुछ भी हो जाए ठीक है कानून करो लाइन में लग के धूप में पिघल के एटीएम पे मेरा झगड़ा हो गया मैंने भी मारे कपड़े भी फाड़े ऐसा भयंकर लफड़ा हो गया पर सारे लफड़े जीत चुका हूँ पर लेके आया 2000 थोड़ी सिखाई मैंने मार और मैंने भी लगाया
ले पर लेके आया 2000 यही था ना भैया वेरी गुड यार 2000 के लिए पकड़े वाले हमारे लिए सारे इतना बेसुरा सॉन्ग स्पेशली मेरे लिए आगे मैंने कान बंद करा दिए मैंने नहीं करे थे ना बात अरे क्या करे भैया कॉमर्स लेना था 33% आगे बात सुना कॉमर्स लेना था कल ने दिला दिया 33% ना हम तो लेते हैं हमको पढ़ना था आईपी घर वाले पढ़ा रहे मैथ्स सो फर्स्टली एक दिन क्या हुआ था मैं मार्केट गया सबको पता है ना प्याज वीज खरीदने नहीं जाता हूँ वैसे हाँ तो मैं मार्केट गया तो मैं मार्केट गया बाजू में देखा जागेश्वरी भी थी वहीं पर सब्जी ले रही थी वही तो सोचो मेरे नाम क्यों आया आएगा ना वहाँ पर जागेश्वरी भी सब्जी ले रही थी इसने कुछ आई थिंक 45 की कितने की दी थी पता नहीं मेरे को याद नहीं बोल सकते पैसे नहीं दिया हुआ ना तो पता क्या हुआ वहाँ पर ही सब्जी ले रही थी अब मेरे को लगा कुछ ना कुछ मतलब फनी सा मोमेंट तो होगा क्योंकि जागेश्वरी तो फनी तो नहीं है तो वहाँ पर सब्जी लेते हुए बोला इसने कि भैया बहुत महंगा लगा रहे हो हमेशा आपकी दुकान से लेती हूँ मैं बट कुछ थोड़ा कम करो देन पता भैया ने क्या आंसर दिया और सुनोगे तो पता मैं हंस दिया था वहीं पर उप सब देखने लग गए क्या हुआ भैया ने आंसर दिया बहन जी भगवान से डरो मैंने आज ही दुकान लगाई है अच्छा ऐसा कुछ हुआ था ना यहाँ आ गया लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं आपके रिवाज नहीं मतलब इधर उधर से आके मेरे पे गिरो है ना मतलब क्या दांत तो इधर उधर से आके मेरे को ताने मारो हम आ रहे हैं सो फर्स्टली वी वुड लाइक टू कॉल मोहित फॉर एंटरटेनिंग अस सो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम आफ्टर द परफॉर्मेंस सब अच्छा था जो अभी सुना था सब बहुत अच्छा था वेरी गुड मोहित ट्रेनिंग वही देता है जिसपे ज्ञान होता है हमें कोचिंग पढ़ने आते हैं दो लोग ज्ञान देते हैं जिनके पास होता है वो जिनके पास नहीं होता है जिनके पास होता है वो इसलिए देता है ना ताकि मिल जाए हाँ और मैं इसलिए दे रहा हूँ वो तो आप ही जानो मैं क्या बता सकता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार अंदर डीप में जाके आंसर देती है मैडम जी तो क्या कर सकते हैं So friends, for us for timing, for taking time for this video.